हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास में। वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए बेटा, हमने अभी तक एल्डिहाइड कीटोन की काफ़ी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है, अब उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। पहले एक आपकी बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, उसके बाद में फिर मैं आगे आपको रिएक्शंस बताऊंगा। आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O, एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। इस कंपाउंड को इसने A माना है, फॉर्म्स एन ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4-dinitrophenylhydrazine रिएजेंट। ये रिएक्शन करता है 2,4 DNP से, और ये ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बना देता है। पहली इंफॉर्मेशन इसने ये दी एंड गिव येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कंपाउंड ए जो है ये आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है NaOH के प्रेजेंस में, और ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। इसका मतलब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। अब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है तो जितना मैंने आपको पढ़ाया था ना बेटा, उस इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करो। हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है तो ये कार्बोनिल कंपाउंड जो है इसके अंदर कंफर्म COCH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा, अदरवाइज तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा ही नहीं। अब आप क्या करो कि ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है इसमें से ये घटा दो। आपके पास में है, ये देखो आपके पास में है C8H8O, इसमें से आपको घटाना है C2H3O, C2H3O कम कर दो बेटा, O से O कैंसिल, C कितने बचे, H कितने बचे 5, C कितने बचे 6, C6H5 बच गया। इसका मतलब आपके पास में एक एरोमेटिक रिंग बच गई, लगा दो यहां C6H5, हो गया कि नहीं हो गया? आपने ढूंढ लिया A को, इजीली मिल गया ना आपको A। अब ये साथ में कहता है, अच्छा जी इसने क्या किया, आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में येलो प्रेसिपिटेट दिया, इट नाइदर रिड्यूस टॉलरेंस एंड फेलिंग रिएजेंट। तो बेटा आप जानते हो कि अगर ये एल्डिहाइड होता तो ये टॉलरेंस और फेलिंग से रिएक्शन करता, लेकिन आप देख रहे हो तो कीटोन है, एसिटोफिनोन, तो एसिटोफिनोन ना तो टॉलरेंस से रिएक्शन करेगा और ना फेलिंग से रिएक्शन करेगा, नॉर डज विद क्लोरीन एसिड। अच्छा देखो बेटा, एक और याद रखना कि बहुत सारी रिएक्शन आपके सिलेबस में दे नहीं रखी, जैसे ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन और बेयर एजेंट से रिएक्शन, तो ये जो एल्डिहाइड होता है ना ये इन वीक एजेंट से रिएक्शन करता है, अदरवाइज कीटोन से रिएक्शन नहीं करता। मैंने आपको बताया था कि कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए आपको स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए। आगे ये कहता है कि ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट ले लिया इसने क्रोमिक एसिड, इट गिव अ कार्बोक्सिलिक एसिड बी। तो ये कहता है कि ये जो ए है ना ये क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में, क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में क्रोमिक एसिड क्या होता है, K2Cr2O7 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसको क्रोमिक एसिड कहते हैं बेटा। इसकी प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है C7H6O2,
H6O2, इसको इसने नाम दिया है B। आगे ये कहता है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए एंड बी एंड एक्सप्लेन द रिएक्शंस। तो बेटा ये तीन रिएक्शन जो बोर्ड पे मेरे लिखी है ना, इनको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ में एक्सप्लेन करना है, और ए को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है, बी आइडेंटिफाई हो जाएगा अपने आप जब हम रिएक्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट रिएक्शन को एक्सप्लेन करता हूं। तो फर्स्ट रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है अपने को, एरोमेटिक रिंग सी डबल बॉन्ड ओ, ये CH3 हाइड्रोजन की रिएक्शन। अच्छा, इसको मैं एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लिख दूं बेटा, यहां डबल बॉन्ड से ओ लिख दूं और यहां CH3 लिख दूं, ये हो गया आपका एसेटो फेनोन। हाइड्रोजन होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, फिनाइल हाइड्रोजन होता है, एक इसका हटा के मैंने एरोमेटिक रिंग लगा दी। 2,4 डाइनाइट्रो के लिए इसकी सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे लगा दो, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। अब देखो बेटा, रिएक्शन आपको बताई हुई है, मैंने आपको बताया था कि अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स की रिएक्शन बताई थी आपको। यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेगा देखो, इसको मैं बेटा C6H5 लिख देता हूं, CCH3 इसमें और इसमें डबल बॉन्ड, N सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H, इसके साथ यहां NO2 और यहां NO2। मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन से हाइड्राजोन बनेगा, इस हाइड्राजोन का जो प्रेसिपिटेट है वो कैसा होगा, ऑरेंज रेड PPT, ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बन गया इसका। तो पहली रिएक्शन तो ये हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन में कहता है ये आयोडीन के साथ येलो प्रेसिपिटेट देता है NaOH के प्रेजेंस में, तो वो रिएक्शन भी देख लो। ये तो फर्स्ट रिएक्शन थी ना, सेकंड रिएक्शन ये आपका एरोमेटिक रिंग सी डबल बॉन्ड ओ CH3, 3 moles ऑफ आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, यहां से 3 moles ऑफ HI सेपरेट हो गए और 3 आयोडीन बेटा यहां चली गई, ये C6H5 C डबल बॉन्ड ओ CI3, इसकी रिएक्शन होगी NaOH के साथ NaOH। मैंने आपको बताया हुआ है ये CI3 से H के साथ निकलेगा CHI3, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, आयोडोफोर, साथ में C6H5COONa, सोडियम बेंजोएट। थर्ड रिएक्शन में ये कहता है कि इसके लंबे टाइम तक ऑक्सीडेशन से एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जिसका फॉर्मूला है C7H7O2। तो वो रिएक्शन भी देखो बेटा, थर्ड रिएक्शन क्या होगी, C6H5 C डबल बॉन्ड ओ CH3,
ऑक्सीडेशन होगा K2Cr2O7 प्लस H2SO4। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन यहां आ जाएगा, C6H5C डबल बॉन्ड OCS3। इसके ऑक्सीडेशन से ये देखो C6H5C डबल लो एच बन गया C6H5C डबल बॉन्ड ONH C7H6O2। ये बी है आपका नाम, इसका बेंजोइक एसिड। ऑक्सीडेशन मैंने आपको समझाया था, जब यहाँ एक ऑक्सीजन जुड़ेगा डबल बॉन्ड ओ तब तो बनेगा बेटा फॉर्मेल्डिहाइड, उसके साथ एक ऑक्सीजन और जुड़ेगा तब बनेगा फॉर्मिक एसिड। तो को प्रोडक्ट भी एसिड होता है इसमें, और वो होता है HCOOH, जिसकी हमने यहाँ डिस्कशन नहीं करनी है। बेंजोइक एसिड बनाना था जो बन गया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया जो इसने बताया था। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात करता हूँ, यहाँ रिएक्शन थोड़ी सी बची हैं, फिनिश हो जाएंगी। ये बात करता है बेटा नेक्स्ट एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। किसका अल्फा हाइड्रोजन? एल्डिहाइड कीटोन का। देखो क्यों होगी, कैसे होगी, हम उसकी बात करेंगे। एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड केटोन। अगर किसी एल्डिहाइड में और केटोन में अल्फा हाइड्रोजन है तो वो अल्फा हाइड्रोजन जो है उसकी वजह से उसके अंदर एसिडिक बिहेवियर आ जाता है, और उसके पीछे का रीजन है रेजोनेंस। ये है आपका एल्डिहाइड या कीटोन, एक साइड की वैलेंसी मैंने फ्री छोड़ दी, जो इसको रिप्रेजेंट करता है कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। अब बेटा मान लीजिए कि किसी न्यूक्लियोफिलिक ने अटैक किया, कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, ये बी है जिसके पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, और इस इलेक्ट्रॉन पेयर वाले न्यूक्लियोफिलिक ने अटैक किया, इसके ऊपर अटैक कर दिया। जब इस पर अटैक हुआ, इसको जुड़ने के लिए चाहिए प्रोटॉन, इसको जुड़ने के लिए प्रोटॉन चाहिए, तो ये अटैक करेगा। अटैक करेगा किस पर? उस हाइड्रोजन पर जो इसको चाहिए। ये पेयर यहां से यहां आएगा तो हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन जो है ना वो दे देगा। अब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा किसको? हाइड्रोजन का ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इन दोनों कार्बन के बीच में, तो ये कार्बन अपने इस बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा ऑक्सीजन पर। तो क्या होगा, यहां से एक बी एच निकल जाएगा, क्योंकि इस पर पेयर की वजह से नेगेटिव चार्ज था ना, इस पर पॉजिटिव आ गया, तो प्लस माइनस, यहां से एक बी एच तो निकल गया, या एच बी कह दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां एक ग्रुप बना एच सी एच, इस कार्बन की वजह से दो तो हाइड्रोजन है, नहीं है ना, कुछ और भी हो सकता है, जरूरी नहीं हाइड्रोजन, मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है। ये यहां से आ गया तो डबल बॉन्ड सी, इस कार्बन के पास में एक तो बॉन्ड फ्री है, एक सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन है इसके पास में, वैसे तो लोन पेयर टू होते हैं लेकिन अब थ्री हो गए, और क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो इस रेजोनेंस की वजह से ऐसा होता है
कि जब ये अटैक होता है तो इस तरीके से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और नेगेटिव चार्ज आने से ऑक्सीजन जो है वो जो हाइड्रोजन जो है वो इजीली निकल जाता है। अब देखो ये कार्बोनाइल ग्रुप था CO, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ वाला हाइड्रोजन कार्बन कौन सा था अल्फा, और यहाँ से निकला कौन सा हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन। तो इस अल्फा हाइड्रोजन के इजीली H+ के फॉर्म में निकलने की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। अब इसी बिहेवियर की वजह से ये दो रिएक्शन देता है। एक तो पहले हम उन कंपाउंड्स की बात करेंगे, उन एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करेंगे जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन होता है। अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड और कीटोन्स को अगर मान लो हम गर्म करें बेस की प्रेजेंस में, तो बेटा वो जो रिएक्शन देते हैं उसको कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। वो जो रिएक्शन देते हैं उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन दो तरीके की होती है, एक तो होती है सिंपल और एक होती है मिक्स्ड। हम एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर लेते हैं पहले तो अच्छे से, उसके बाद में एक रिएक्शन और होती है कैनेजारो, हम उसकी भी बात करेंगे अगर हमारे पास में प्रॉपर टाइम बचेगा तो। क्लास लंबी नहीं करेंगे, मैं थोड़ा सा लेंस साफ कर देता हूँ। तो बेटा एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं पहले पेशेंट्स के साथ। मान लीजिए आपने ऐसे कोई एल्डिहाइड ले लिए CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, प्लस CH3 को मैं CH2H लिख दूं, C डबल बॉन्ड O एंड H। ये बेटे 2 moles ऑफ एसिटाल्डिहाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड है, और ये सेकेंड मॉलिक्यूल भी एसिटाल्डिहाइड है। और मैंने एल्डिहाइड को गर्म कर दिया डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में, डाइल्यूटेड NaOH की प्रेजेंस में मैंने इसको गर्म कर दिया। गर्म कर दिया तो बेटे यहां पे देखो क्या होगा, ये CHO जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला हाइड्रोजन कार्बन अल्फा कार्बन, इसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और यहां से इजीली H+ निकलेगा, हो गया। अब क्या होगा, दूसरे वाले मॉलिक्यूल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा, इस पे नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड यहां से आ गया तो इस पे नेगेटिव, अब प्लस माइनस को जोड़ दो, CH3CH इकट्ठा लिखूंगा सिंगल बॉन्ड O, CH3CH सिंगल बॉन्ड O, कार्बन पे पॉजिटिव है इस कार्बन पे नेगेटिव है, जोड़ दो दोनों को CH2, इस CH2 के आगे CHO जुड़ा हुआ है तो C डबल बॉन्ड O एंड H, इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव तो यहां आ जाएगा H। अगर किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप प्रेजेंट हो तो उस कंपाउंड को बोलते हैं एल्डोल। एल्ड वर्ड आया एल्डिहाइड से, ओल आया अल्कोहल से, लेकिन अगर मैं इसके IUPAC नेम की बात करूं तो बेटा मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड को मानेंगे, 11th क्लास में पढ़ा था आपने, काउंटिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, और इसका नाम होगा 3-hydroxy मेथ 8 प्रॉप ब्यूट ब्यूटेनाइल। अब ये तो एल्डोल बन गया, अब इसका कंडेंसेशन होगा बेटा। अच्छा एक बात और है,
कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ये भी ध्यान रखना। अब इसका कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन कैसे होगा, आप इसको गर्म करो। जब आप इसको गर्म करोगे तो अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन ढूंढो, CHO तो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन, ये सेकंड कार्बन अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन शो कर लो, ये हो गया आपका एक हाइड्रोजन। अब यहां पर बेटे ये OH और H वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा, पीछे जो कंपाउंड बचेगा वो क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O एंड H ब्यूट, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है 2-ene, एल्डिहाइड का कार्बन हमेशा फर्स्ट रहता है तो 1L नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे L। ये हुआ एल्डोल कंडेंसेशन जब मैंने एल्डिहाइड लिया। मान लो बेटे हम कीटोन लेते तो रिएक्शन क्या होती उसको भी हम समझेंगे। मैं थोड़ी सी एडवांटेज ले लेता हूं, इस H को मैंने लिखा CH3 और इस H को भी मैंने लिखा CH3, दोनों एसेटोन हैं, ये भी एसेटोन है और पहले वाला भी एसेटोन है, दोनों मैंने कीटोन ले लिए, इनमें भी अल्फा हाइड्रोजन है तो शिफ्ट होगा, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड यहां से आ गया, प्लस माइनस जोड़ दो CH3C इसके साथ वाले CH3 को मैं ऊपर लिख देता हूं, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस C के साथ ये वाला C जुड़ गया CH2 C डबल बॉन्ड हो CH3, ये H इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, इसमें अल्कोहल और कीटोन दोनों ग्रुप है इसलिए इसको कीटोल बोलेंगे। अगर मैं इसके IUPAC नेम की बात करूं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मिथाइल और हाइड्रोक्सी दोनों फोर्थ कार्बन पे है, 4-hydroxy, 4-methyl, 2-pentanon। अब इसमें भी वही होगा, CO के साथ वाला ये अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन शो कर लो जो OH ग्रुप के पास है, गर्म करने से इसका कंडेंसेशन हो जाएगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट होगा माइनस H2O और बेटे कंपाउंड बनेगा CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O एंड CH3, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 4-methyl, पेंट, 3-ene, 2-on, ये आपका कंपाउंड बन गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अगर मान लो हम एल्डोल कंडेंसेशन में मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन करवाएं तो पॉसिबल सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे, या NaOH की जगह में बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकता था। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं जो आपको कल करना है, उससे पहले मैं एक रिएक्शन आपको समझा दूं।
कल की क्लास में मैं लाइव रहूँगा, कल से अपनी लाइव क्लास होगी डेली 8 बजे। तो जब आप लाइव आओ, आपसे वो क्वेश्चन ना हो या हो गया हो, मुझे याद दिला देना, हम डिस्कस कर लेंगे उसको। अगर मान लो रिएक्टेंट हो CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, एक तो ये हो, और एक हो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। यहां पे मान लीजिए बेटा बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिया आपकी बार मैंने डाइल्यूटेड, और इनकी रिएक्शन करवानी है, इनकी रिएक्शन करवानी है, तो एक बार तो आप इसको ट्रांसफर कर दो, है ना। दो टाइप की रिएक्शंस होंगी, मैं पहला बता देता हूं। ये यहां से यहां गया तो इस पर पॉजिटिव, सॉरी इस पर कार्बन पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। ये यहां से यहां गया तो इस पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव। तो एक प्रोडक्ट तो क्या बनेगा, CH3CH इस O के साथ ये वाला H जुड़ ही गया, इस C के साथ ये वाला CH3 जुड़ेगा, इस C पे एक तो H है और साथ में क्या है CH, ये वाला C जुड़ेगा, आगे है C डबल बॉन्ड O एंड H, हो गया इतना। अगर इसका कंडेंसेशन हो जाए तो क्या बनेगा, CH3CH, ये OH और ये वाला H तो निकल गया ना बेटा, गरम करने से, तो बन क्या गया, CH3CH डबल बॉन्ड C, इसके साथ है एक CH3, आगे है CHO, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ कार्बन। कंपाउंड का नाम है 2-methyl-butene-L। और बेटे यहां पे ये तो क्या था, एथेनल, ये क्या था, प्रोपेनल। मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, रिएक्शन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एक साथ। अगर मान लो रिएक्शन इस तरीके से होती, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H प्लस CH2 H, CH3 को लिख रहा हूं, CHO इकट्ठा लिख दिया बेटे मैंने, और बॉन्ड किस तरीके से शिफ्ट हो, बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाए कि ये बॉन्ड यहां से आ गया, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, साथ में ये वाला बॉन्ड यहां से आ गया, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, यहां लिखता हूं मैं C2H5 इकट्ठा, इसके आगे है CH, O के साथ ये वाला H जुड़ गया, आगे है CH2CHO, रिएक्शन को आगे एक्सप्लेन करने के लिए यहां वाला H मैं शो कर लेता हूं। रिएक्शन वही हो रही है बेटा, आपने लिया हुआ है बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां से निकला वाटर, और अब जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट क्या बना, देखो C2H5CH डबल बॉन्ड CH CHO, C2H5 को मैंने लिख दिया CH3CH2, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट पेंट टू इन एल, बन गया बेटे। दो पॉसिबिलिटीज थी, दोनों प्रोडक्ट बने, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको दो क्वेश्चंस करने हैं, और एल्डोल कंडेंसेशन के ही हैं, दोनों के आंसर आप बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे जरूर भेजेंगे,
पहला जो क्वेश्चन है वो है CH3CHO प्लस CH3COCH3 डाइल्यूटेड NaOH, प्रोडक्ट बताने है क्या बनेगा। सेकंड क्वेश्चन जो है इसके अंदर है बेंजल्डिहाइड प्लस दूसरा है एसिटोफिनोन, इसमें भी आपको प्रोडक्ट बताने हैं कि क्या बनेगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन पूरा हो गया बेटा, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, टेक केयर।